बन गई अच्छी डिजाइन। इस कलेक्शन का कुछ नाम रखना चाहिए। सितारा। नहीं, बोरिंग है। रिंग्स एंड ब्लिंग। नहीं, बहुत डेस्परेट है। हल्दी कुमकुम। हाँ, कलेक्शन हल्दी कुमकुम। तुम वो पैसे कैसे खर्च कर सकते हो सनी? वो मैंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखे थे। हाँ तो कीर्ति, बच्चा आने में टाइम है, तब तक कमा लूंगा मैं। बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? तुम कमाओगे? रियली? पिछले 3 महीनों से कितने पैसे कमाए तुमने? हाँ, वो मेरे सेविंग्स के पैसे थे सनी, जो मैंने बच्चे के फ्यूचर के लिए जमाए थे। अच्छा, तो पैसों में तेरा मेरा होने लग गया? पहले तो बहुत रोमांटिक बनती थी, बोलती थी जो तेरा है वो मेरा है, और अब अपना अपना तुझे याद आ रहा है? क्योंकि तब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि तुम इतने बड़े काम चुरा निकम्मे निकले। पीछे हटो, कीर्ति के पास आने की सोचना भी मत। क्या हुआ कीर्ति, काहे को लड़ रहा है तुम दोनों? भाई भाई, इस आदमी ने मेरे सेविंग्स के पूरे पैसे खर्च कर दिए, जो मैंने अपने बच्चे के लिए बचा के रखे थे। कीर्ति डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुमको पैसे दे देगा, कितना चाहिए बोलो। सॉरी पल्लवी, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हारी लाइफ भी इस कोरे कागज की तरह होने वाली है, एकदम ब्लैंक। चलो बैठो यहाँ पे आराम से, चलो बैठो। देखा तुमने? मुझे तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनना है। तुम्हारे सो कॉल्ड पैसे से हमारे होने वाले बच्चे के लिए एक गोल्ड की चेन लेकर आया था। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें हर सरप्राइज खराब करने की आदत जो है। Oh my God, मां, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। सनी सनी, आई एम सॉरी सनी। ये सनी ना एक नंबर का ड्रामेबाज है, पहले नहीं बोल सकता था। खामखा कीर्ति को गुस्सा दिला दिया। इसे पता है कीर्ति को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन ये आदमी नहीं सुधरेगा। अन्ना, सऊदी वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था, हमें आधे घंटे में उनसे मिलना है, और अन्ना आज रात को ही वो निकल रहे, तो हमें डिजाइन उन्हें आज ही देने होंगे। पल्लवी, डिजाइन रेडी है ना? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे भी मैसेज आया। डिजाइन कहाँ गई? यहीं तो रख के गई थी। डिजाइन फाइल में ही तो रखी थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? पल्लवी, मेरे को मीटिंग के लिए निकलना है, जल्दी डिजाइन दो। राघव, वो डिजाइन मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गई, मैं यहीं रख के गई थी। नहीं मिल रहा मतलब? मैं कुछ देर पहले यहाँ बैठकर डिजाइन्स बना रही थी, फिर मैंने कीर्ति और सनी के लड़ने की आवाज सुनी, तो मैं नीचे गई और वापस आके देखा तो यहाँ ये सिर्फ ब्लैंक पेपर्स है। यहाँ ही रख कर गए तो यही कहीं तो होगा ना, ठीक से देखो,
वहां से उठकर कहीं तो गिर गया होगा। राघव मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ सिर्फ ये ब्लैंक पेपर्स है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये डिजाइन गायब कैसे हो गए। आधे घंटे में क्लाइंट के साथ मीटिंग है और अगर आज डिजाइन फाइनल नहीं हुआ तो धनतेरस का हमारा कलेक्शन लॉक नहीं हो पाएगा। तो मुझे कुछ टाइम दो, मुझे डिजाइन अच्छे से याद है, मैं दोबारा बनाती हूं। नहीं पल्लवी अभी इतना टाइम नहीं, मेरे को निकलना है वरना मीटिंग लेट हो जाएगा। तुम रहने दो एंड यस नेक्स्ट टाइम इन सब में थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। फराज डिजाइन रेडी नहीं हुआ। अन्ना बिना डिजाइन के काम कैसे होगा? पता नहीं मैं भी वही सोचा क्या करूं। राघव क्या बात है, स्ट्रेस लग रहे हो? मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? नहीं मैं मैनेज कर लेगा। बताओ तो सही क्या बात है? एक डील के लिए पल्लवी को नया कलेक्शन का डिजाइन करने दिया लेकिन वो अब तक रेडी नहीं हुआ और अभी आधे घंटे में मेरा मीटिंग है। बस इतनी सी बात, डोंट वरी, मेरे पास कुछ डिजाइन रखे हुए हैं जो मेरी कंपनी में यूज नहीं हुए हैं। तुम उन डिजाइन के सैंपल दे दो और बाद में उनसे इंस्पायर्ड नए डिजाइन बना लेना। नहीं मेरे को तुमसे कोई प्रोफेशनल फेवर नहीं चाहिए, इट्स ओके। राघव फेवर नहीं है, फ्रेंड की हेल्प है। और देखो अगर तुम्हें फिर भी ऑड लग रहा हो ना तो डिजाइन फाइनल होने के बाद तुम मुझे फीस दे देना, ठीक है? वैसे भी मैं अपनी कंपनी में ना फ्रीलांसर हूँ, कोई भी बाहर के प्रोजेक्ट ले सकती हूँ। ओके मेल मी द डिजाइंस। श्योर आई विल मेल यू। जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे डिजाइंस मिल जाएंगे तुम्हें। थैंक यू सो मच ईशा, आज तुमने बचा लिया। चल फरहाद। कीर्ति तुम्हारा सूप। थैंक यू सो मच। तुम्हारे और सनी के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया, क्लियर हो गई बातें? मैंने खुद उसे सॉरी बोल दिया, पर मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, बिना कुछ सोचे कुछ सुने बेचारे पे चिल्ला पड़ी। लेकिन कीर्ति तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज था, तुम्हें थोड़ी ना पता था उसने पैसों के साथ क्या किया है। एग्जैक्टली और ऐसा भी नहीं है कि मैं फौरन उस पर चिल्ला पड़ी, मैंने उसे कई बार पूछा, उसने कुछ बताया नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर पहले ही बता देता तो इतना ड्रामा भी नहीं होता। अच्छा कीर्ति मुझे ना कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? जब मैं अपने कमरे में थी तब मैंने तुम लोगों की आवाज सुनी। मैं राघव के नए कलेक्शन के लिए डिजाइन बना रही थी और जैसे ही मैंने तुम्हें लड़ते हुए सुना मैं वो डिजाइन वहीं बेड पर छोड़ के तुरंत नीचे आ गई। और जब मैं वहां वापस गई तो वो डिजाइन वहां थे ही नहीं। ऐसे लगा जैसे किसी ने जानबूझकर वो डिजाइन वहां से उठा लिए, क्योंकि मैंने पूरे कमरे में देखा वो पेपर्स कहीं नहीं है। पर कोई तुम्हारे डिजाइन क्यों चुराएगा? और हम सब तो नीचे ही थे ना, मैं राघव तुम अम्मा सनी भी था, इवन फराद भी हमारे साथ ही था, तो कौन कर सकता है ये? मैं तुमको कितनी बार बोला, मैं सुलोचना नहीं है, मैं रजनी। तुम मैरिड है? मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता है। हमेशा सच बोलने का अपना ख्याल रखना। हाँ मेरा टिफिन सर्विस का बिजनेस है, अगर तुमको चाहिए रहेगा ना उधर नीचे देखो मेरा नंबर है। हेलो हेलो, तुम सच में सुलोचना नहीं हो ना? कौन बोल रहा है? वो जो रजनीकांत बन के आया था तुमसे मिलने। वो जो मैरिड है। अरे काय का मैरिड, मैं तो सिर्फ नाम के लिए मैरिड हूँ। क्या है ना बहुत ही झगड़ालू औरत है मेरी बीवी, जब से शादी हुई है ना तब से मेरा जीना हराम कर रखा है उस औरत ने। लेकिन जब से तुमने बड़े प्यार से मेरी उंगली पर पट्टी बांधी है ना तब से ना मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा दिल हर वक्त
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। एक बात कहूं, मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूं। अयो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सही नहीं है, ये गलत है। अरे नहीं, प्यार में सही गलत ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मेरे को नहीं पता। अगर ये भी मुझसे प्यार करती है ना, पलट के फोन जरूर करेगी। वो मैं तुमको गुड नाइट नहीं बोला ना, इसलिए फिर से कॉल किया। गुड नाइट। ईशा, क्या बात है, काफी परफेक्ट हो रही हो तुम इस गेम में। मैंने कीर्ति से लड़ाई का नाटक करके तुम्हें हल्का सा स्कोप क्या दिया, तुमने तो फौरन पल्लवी के डिजाइन पेपर बदल दिए। अपनी टीम बेस्ट लग रही है अपने को। अगर इसी स्पीड से चलते रहना तो पल्लवी बहुत जल्दी इस घर से और राघव के दिल से आउट होगी और उसकी जगह होगी कौन? तुम। लेकिन सनी, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना है, वरने जो हम सब कर रहे हैं ना, ये सब उल्टा हो जाएगा। वो पल्लवी कोई बच्ची नहीं है कि सब कुछ देखते हुए चुपचाप बैठी रहेगी। बहुत स्मार्ट है वो, हमें उसे इतनी आसानी से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, वो राघव से इतना प्यार करने का जो नाटक करती है तो वो इतनी आसानी से हार मान जाएगी? हमें ना बड़ा गेम खेलने के बजाय इन छोटे छोटे मौकों का फायदा उठाना है और इस पल्लवी को जीतने से रोकना है। आई नो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम जो करना चाहते हैं ना, उसकी श्योरिटी बढ़ जाएगी। कहाँ रह गया राघव? अभी तक आया क्यों नहीं? राघव, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? हाँ, मीटिंग अच्छा गया। ईशा ने लास्ट मिनट में कुछ डिजाइन दे दिया, तुमसे हेल्प हो गया। थैंक गॉड, सब कुछ अच्छे से हो गया। राघव, आई एम सॉरी, मेरी वजह से एंड मोमेंट पर अटक गए ना तुम। आई एम रियली वेरी सॉरी। पल्लवी, इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसी लापरवाही कोई काम में कैसे दिखा सकता है? पता है, सुबह से कितना गिल्टी फील हो रहा है मुझे। इतनी कॉन्फिडेंस से तुमने मुझे एक काम दिया और पहले स्टेप में ही फेल हो गई मैं। पल्लवी, तुम फेलियर नहीं, विनर है। एक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम हर काम परफेक्टली करता है और आज तक तुमने मेरे लिए जो किया है, जो करते आ रहा है, उसके आगे हजारों गलतियां माफ है। वेल, इससे ज्यादा गलत तो मैं तुम्हारे साथ किया है। एक्चुअली यू आर राइट, गलत तो तुमने किया है, तो सॉरी मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए। अब क्या गलत किया मैं? अपना सच छुपाया तुमने मुझसे। कैसा सच? तुम्हें क्या लगा राघव, तुम मेरी पीठ पीछे कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी बेवकूफ और अंधी नजर आती हो तुम्हें। पल्लवी, वो मैं तुमको बताने वाला था। कब बताने वाले थे कि तुम सिर्फ मिस्टर राघव राव नहीं बल्कि मिस्टर रामास्वामी भी हो, वृद्धाश्रम के ट्रस्टी। वही तुमने पहली बार मेरे हाथ का खाना खाया था ना? हाँ, अब मैं तुमको क्या बताता? क्यों? मेरा हस्बैंड इतने अच्छे काम करता है तो मुझे पता होना चाहिए ना, ताकि मैं उस पर एक्स्ट्रा प्राउड फील कर सकूं। अच्छा सुनो, वो डिजाइन वाला काम तो मुझसे अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं इस दिवाली ना वृद्धाश्रम के लोगों के लिए तेलुगु मिठाई बनाना चाहती हूँ। वो इरू सालू। अरी सेलो, उसको अरी सेलो बोलता है। अच्छा सॉरी,
अरे सर सबको बहुत अच्छा लगेगा, मैंने ना उसकी रेसिपी भी निकाल के रखी, तुम सबके लिए लेकर जाना। डन, सबको अच्छा लगेगा और लास्ट टाइम तुम्हारा हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। और हाँ, वहाँ मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज है, सो शुगरलेस मिठाई बनाना। डन। अन्ना, सऊदी वाले क्लाइंट्स को हमारी ज्वेलरी डिजाइन्स बहुत ही पसंद आए और उन्होंने हमें ऑर्डर दे दिए। वाओ, दैट्स वंडरफुल। और इसका पूरा क्रेडिट ईशा को जाता है। वैसे अन्ना, उन्होंने एक और रिक्वेस्ट करी है। क्या है? अन्ना, उन्हें हमारे डिजाइन इतने पसंद आए हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनके लिए एक वेंडर ढूंढ सके जो उनकी ज्वेलरी से मैचिंग साड़ी और लहंगे उन्हें डिजाइन करके दे सके ना। ठीक है, तीन चार ऑप्शंस ढूंढ ले, उनको बता देंगे। और फरहत, आज का पूरा मीटिंग जल्दी खत्म करना है, उसके बाद मेरे को वृद्धाश्रम जाना है। पल्लवी ने वहां सबके लिए स्पेशल मिठाई बनाया है, उनको देख के आना है। जी अन्ना, चलो। मानसी दिवाली पर आपने इतने सारे गिफ्ट तो कभी नहीं लाए। पक्का बड़ा बोनस मिला ना इस बार। क्या है ना बेटा, बोनस सिर्फ अकाउंट का बैलेंस चेंज करता है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ मिला है ना कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। अच्छा, ऐसा आपको क्या मिल गया है? खुशी, खुशी मिली है बेटा, जीवन की असली खुशी। हाँ, तो अमृता, ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। मानसी, ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। निखिल, ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। और ये दादा और वहिनी के लिए। ओह नाइस। और मेरा गिफ्ट? तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और वैसे भी तुम्हें जब कुछ चाहिए होता है ना, तब तुम झपट्टा मार के ले लेती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तुमको कोई हेल्प चाहिए ना तो मेरे को बोलना। हाँ नहीं अम्मा, सब कुछ हो गया है, एक बार बस मिठाई ठंडी हो जाए ना, फिर उसे आराम से पैक कर दूँ। ठीक है। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? इतनी जोर से भजन क्यों बजा रहे हो? इस घर को पवित्र बना रहा हूं। हा? दिवाली आ रही है ना, तो मेरा होने वाला बच्चा कुछ धार्मिक सुनेगा तो अम्मा उसको संस्कार अच्छे मिलेंगे। चल अच्छा है, बाप बनने वाला है ना तो तेरे अंदर 2% बुद्धि आ गया है। मैं वेंकटेश्वरा से प्रार्थना करेगा कि ये बुद्धि बरकरार रहे तेरे को। और कम वॉल्यूम में भी भजन सुना सकते हो, बच्चे के कान के पर्दे नहीं फाड़ने। बच्चा मेरा है बल्लभी, मैं जानता हूं उसे कितने वॉल्यूम में सुनाई देगा। अम्मा, अम्मा। हाँ अम्मा, मैं जाके मिठाई पैक कर देती हूँ, ठंडी हो गई होगी। तू डाइनिंग टेबल पे पैक कर लेना। नहीं अम्मा, यहाँ बहुत शोर है, यहाँ बैठकर पैक करूंगी तो मेरा सर दर्द करने लगेगा। अच्छा ठीक है, तेरे को कोई हेल्प चाहिए ना तो मेरे को बोलना। हाँ ठीक है। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।